हेलो। और देखिए, अब जो है हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो ये हमारा दिन का खाना बनेगा। सुबह नाश्ता हो चुका, अभी 10 बजने वाले हैं। तो हम आज खाने में खिचड़ी बनाएंगे, अरहर की दाल और चावल की खिचड़ी और दही आलू बनाएंगे। तो दही आलू जो है वो हम छौंक के बनाएंगे। और ये हमने खिचड़ी चढ़ा दी है। ये देखिए, खिचड़ी हमारी बन रही है। और इधर हमने ये तेल डाल के चढ़ा दिए हैं गैस पे। और ये सब दही आलू की तैयारी करी है। दही जो है हमने इसे मत के ये दे ये तैयार कर लिया मट्ठा टाइप का। और ये सब ये उबाल के आलू काट के रख लिया ये। और ये जीरा है, ये मिर्चा, लाल मिर्च, लाल मिर्च डालिए तो स्वाद बढ़िया। वैसे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और हम जो है लाल मिर्च डाल रहे हैं। ये है काला नमक और सफ़ेद नमक। नमक आप अंदाज से डालिए, तेज बिना, जैसा खाते हो। मिर्चा भी उसी प्रकार का। और ये थोड़ी सी हल्दी है। तो ये हमारा तेल तेल गर्म हो गया। तो फिर सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। जीरा जो है लाल हो जाए। और ये जो है खिचड़ी के समय जो है ना, जाड़े में तो भरता बनाते हैं। आलू का भरता बहुत अच्छा लगता है। धनिया, हरा मिर्चा, टमाटर डालना हो टमाटर डाल दीजिए, नमक और सरसों का तेल डाल। तो या बैंगन आलू टमाटर का भरता है। लेकिन इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, ये दही आलू आप बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है इसके संग खिचड़ी। अब जो है ये जीरा हमारा लाल हो गया। अब हम डाल देंगे आलू। आलू डाल देंगे, आलू को और सब्जी को डालेंगे, हल्दी हल्दी डालेंगे। नमक नमक डाल देंगे, नमक के बाद अब क्या क्या करेंगे कि जो मट्ठा हमने दही का बनाया है इसको डाल देंगे। बस ये हमारा दही आलू बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप दही आलू बनाइए और खिचड़ी के संग खाइए। हमने खिचड़ी के संग बनाया है। वैसे आप जो है रायते की जगह दही आलू आप बना सकते हैं और खाने के संग खाइए। दाल चावल के संग खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी सब्जी के संग इसको रायते की जगह पे इसको बना लीजिए तो ये बहुत बढ़िया लगता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये खाना, दिन का खाना पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये हमारा खिचड़ी के संग दही आलू का खाना। थैंक यू।